कैसे आप लोग? तो देखिए, मैं जा रही हूँ आज बनाने मछली, तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी ना भी रहूँ तो क्या हुआ? बनाना खाना तो वही है, हाउस वाइफ जो हूँ मैं। आदमियों की तो छुट्टी होती है लेकिन औरतों की नहीं। तो गाइस, आप लोग को एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। देखो, आदमी होते हैं ना, उनकी संडे को छुट्टी होती है, संडे हॉलीडे है ना, मस्त घर पे खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन औरतें नो छुट्टी, उल्टा संडे को उनका काम बढ़ जाता है भाई। पति रहेंगे, उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तैयार करो, और आज वो घर पे है तो उनके लिए कुछ स्पेशल भी करो। ऊपर से अरे उनको रिझाने के लिए, पता ही है, पति को रिझाने फिजाने के लिए थोड़ा मेकअप सेकअप ढंग से करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड के मित्रगण आ रहे हैं, मित्र जी आ रहे हैं, अरे तो इन्होंने पूछा मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मैंने कहा का करे तो करे हैं। तो गाइस, मैं ऐसी हूँ, दिन भर फनी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। लेकिन हाँ, तब मेरे को गुस्सा आ जाए ना, तो फिर कुछ पर राज, किसी का नहीं सुनता। तो फिर इन लोगों को धब धू शुरू कर देते हैं। अब बिस्तर साइज लगा दो जी, वो बगल में दोस्त आ रहे हैं ना। तो चलिए गाइस, आज बनाने वाली हूँ मैं, क्या बनाने वाली बताइए? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मैं बनाऊंगी मछली, और किसको किसको खाना है फटाफट आ जाओ। बस देखो, मेरा नेल पॉलिश एकदम लो हो गया, तो अब मैं इसको सही करने वाली हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने कर लिया है पूजा। देखिए, टीका बाबा की भगूती मैंने लगा लिया है, मेरे साईं बाबा की भगूती है। और ये देखिए, मैंने चढ़ा दिया चाय, और मैं बना रही हूँ नली, इसलिए मेरे साहब के फ्रेंड आ गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा चाय और नाश्ता बना देते हैं, उसके बाद बनाएंगे मछली। देखिए, फिश यहाँ पर है, यह है मछली, अभी अभी लाए हैं, बहुत ज़्यादा लाए हैं, लेकिन कम लाना चाहिए ना, 1 kg है, आधा kg बहुत होता है मेरी फैमिली में 5 लोगों के लिए। ठीक है, तो चल रहा है इसे बनाने, और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं टिंग टिंग टिंग। हे गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, लाइक कमेंट किया करिए, और प्लीज़ यार अपनी सोना की हेल्प किया करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, तरीके से एकदम सफाई से धुल ली है मेरी मछली, एकदम चमक रही है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, इसमें लगा कर मैं तलती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो रही है मस्त, देख लीजिए। तो फटाफट मुझे बनाना है मछली, इसे मैंने डाला था नींबू, नमक, हल्दी सब डाल के, फिर उसको रखा था, फिर उसको धुला है मस्त एकदम, मछली की सारी स्मेल निकल गई है। तो फ्रेंड, मैं जो है ना मछली में आटा लगा कर तलती हूँ, फ्राई करती हूँ, इसलिए मछली थोड़ी टाइट टाइट होती है। आटा भी लगा सकते हैं, बेसन भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा उसको कुरकुरी बनानी है और फ्राई खानी है तो मसाले के साथ साथ थोड़े से सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, तो हम उसे भी मिला सकते हैं उसमें मछली वो करके, मछली में ऐसे लगा लगा के अगर तलेंगे तो मछली बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है फ्राई खाने के लिए। तो मैं तो आटा लगा के बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कुरकुरी होगी और बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आप लोग कभी ट्राई कर लीजिएगा, और बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आप लोगों को भी मैं मछली कैसे बनाती हूँ। तो कढ़ाई हो चुकी है गरम, और मैं डालूँगी इसमें तेल। तो इसको मैं सरसों के तेल से ही बनाऊँगी मछली, क्योंकि मछली हो या चिकन हो या पनीर हो, ये तो बनता है सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल से। तो देखिए, ये हो गई मछली का, तेल हमने ज़्यादा कर लिया गाइस, तेल ज़्यादा हो गया, तेल कम करूँगी, क्योंकि इसमें फ्राई किया हुआ तेल जो बचेगा उसको कहीं और यूज़ में नहीं ले सकती मैं। मछली का तेल ओनली मछली में ही अच्छा लगता है, बाकी सब्जी में डाल देंगे तो मछली मछली वाली स्मेल आएगी। तो मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा सा तेल इस वाले कप में निकाल लेते हैं, फिर कम पड़ेगा तो बाद में डाल देंगे, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, ये देखिए कलछी, कलछी पूरा भर के तेल में डाल, ज्यादा ऑयल नुकसान करना मुझको पसंद नहीं है।
बस ये है मछली का वो जो तेल होता है चर्बी जिसे हम कहते हैं, वो मैंने तेल में डाल दिया है। देख लीजिए कितना ज़्यादा तेल हो गया, इसीलिए मैंने तेल निकाल लिया था क्योंकि मुझे पता था बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। तब हम मछली को फ्राई करते हैं, ये वाला उसी में पड़ा रहेगा अपना, फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, पहले ऐसे लगा लगा के मैं रख लूँगी एकदम अच्छे से। एक साथ में कम से कम 4-5 तो डालूंगी और देखिए वो गल के तेल बहुत ज्यादा हो गया है इसमें। इसी तरह से फटाफट लगा लेंगे ना, जितनी हमें एक बार में डालनी है उतने को हम इसमें ऐसे कर देंगे। अब इसको हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे। देखिए तेल एकदम मस्त गर्म है फ्रेंड, देख लीजिए फटाफट देखिए डालते जाएंगे, सारी एक एक करके डाल देंगे जितना मैंने बनाया है इसमें तेल में। और जगह अभी भी खाली है तो एक और कर लेते हैं। देख लीजिए इतनी मछली अब इसमें पकेगी आराम से, एकदम लाल होने तक मैं इसे पकाऊंगी। हे गाइस, तो देखिए मछली मेरी, यहाँ मैंने इतना सारे आटे में लगा के रख लिया है, यहाँ पे पक रही है, जल्दी जल्दी बन जाए। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ऐसे नींद आ रही है, मेरी आँखें अपने आप जप रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। गाइस गजब की पक रही है ना मछली, अच्छी लग रही है ना। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, मेरी मछली देख के किसके किसके मुँह से पानी आ रहा है फ्रेंड्स? मेरे तो बहुत तेज आ रहा है मुंह, मतलब मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, मन करता है अब खा लूँ तब खा लूँ ऐसे लगता है। और फ्राई करने के बाद मैं एक दो पीस तो खाती हूँ पक्का है। तो आप लोग किसको किसको मछली पसंद है कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं पूरा मछली कैसे कैसे मैं आज बना रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। जिसको मछली नहीं बनाने आता उसको बनाने भी आ जाएगा ये मछली रेसिपी देखने के बाद। तो बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। संग संग चलूंगी मैं, बन के तेरा सजन, आ मांग मेरे पर्दे में। गाना नहीं आ रहा भूल गए, तो फ्रेंड देखिए मछली मेरी इतनी इतनी लाल लाल हो गई है, अब मैं इसको फटाफट निकाल रही हूँ। भाई जल्दी जल्दी से निकाल के, और दूसरा वाला फटाफट इसे डाल दो। मम्मी मछली में हाथ चला गया, तेल में हाथ चला गया। हे गाइस, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में एक चीज दिखाऊंगी। एक मेरे हस्बैंड के गिफ्ट आ रहे हैं बाहर से, वो लाए हैं गिफ्ट, तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, लेकिन एंड में, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग देख रहे हैं मछली में तल चुके, यहाँ पे मछली कंप्लीट तला गई है। और आप लोग सोच रहे होंगे थाली में कैसे कम हो गई मछली, तो बता दें भाई मछली बच्चे फ्राई लेकर बाहर भाग गए हैं खाने के लिए। 4-5 पीस तो फ्राई में चली गई, वो लोग खाएंगे। और डाल रहे हैं हम इसमें देखिए मेथी पचफोरन है, गाइस मछली में मेथी का तड़का देने से बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी जब भी बनाइएगा तो दीजिएगा जरूर मेरी तरह। बने रहिए, देखिए ये मछली कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मसाला है तो डालूंगी मैं, सावधानी पूर्वक डालना पड़ता है, खटक जाए तो तेल वेल हाथ लिया जाता है मेरे।
तक प्रोसेस हो गया कंप्लीट मछली वाला। और ये यहाँ पे मसाला पक रहा है और पकेगा। इसमें मैंने अदरक प्याज लहसुन मिर्ची और एक टमाटर भी मैंने वो ग्रेट करवाया था। थोड़ा खट्टे से ना मछली की जो स्मेल है ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत आज मुझे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मुझे आज मछली खाने की बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। स्मेल जैसे आ रही है मछली की। आपकी हनी पापा कह रहे हैं मेरे हस्बैंड की मतलब मैंने जिंदी मछली कटवाई है यार, तो अच्छी मछली हो सकता है। कभी कभी मेरी तबीयत डाउन रहती है तो मैं खा पी सही से नहीं पाती हूँ। बने रहिए कंटिन्यू, एंड में दिखाएंगे आप लोगों को गिफ्ट, तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो गाइस देखिए मछली खा कर आ रहे हैं, कैसे लगा मछलियाँ? टेस्टी थी, कितनी टेस्टी थी? बहुत टेस्टी थी गाइस, बिना वो नमक मर्चा का खा लिए हैं ऐसे खाली तेल में तली हुई मछली और बहुत टेस्टी थी। तो चलिए फ्रेंड ये लोग मछली उछली खा चुके, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। तो मैंने ढाई खाया, ढाई ढाई पीस खाई है गाइस, दो और आधा ना। ओ मेरा बच्चा, चलो ठीक है गाइस। ये मेरा छोटा वाला बेटा है और जो पहले जिसको मैंने पकड़ा था वो मेरा भतीजा है, मेरे भैया का लड़का था, बिचल का लड़का। गाइस देखिए मसाला एकदम मस्त पक रहा है ना, तेल आ गया ऊपर, एकदम गजब का पक चुका है। बस अब फटाफट इसको पकाते हैं गाइस, बहुत जल्दी जल्दी। देखिए गाइस ऐसे हमने रस्सा रख दिया, अभी बहुत पतला लग रहा है लेकिन जब मछली पकने लगेगी, जब इसमें मछली डाल देंगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा ये बिल्कुल। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, एंडिंग तक दिखाएंगे। खोल रही है मछली और अरे सॉरी उसका जूस इसका ग्रेवी जरा ये, और इसको मैं एकदम बढ़िया से इसमें मछली डाल दूंगी और 5 मिनट मात्र पकाऊंगी, मेरी मछली हो जाएगी तैयार खाने लायक। तो जिसको जिसको खाना है आ जाइएगा, खा लीजिएगा फटाफट। अब दिखाते हैं हम आपको इसको पूरा पकने के बाद। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी एक गिफ्ट है, तो आप लोग को दिखाते हैं कि इनके फ्रेंड आए थे मेरे हस्बैंड के, तो वो लाए थे। तो आपका इंतजार होता है यहाँ पे समाप्त और मैं दिखाती हूँ वो गिफ्ट। तो बताइए इसमें क्या है, ये देखिए। तो गाइस इसको कहते हैं टांगा तेल, अगर सर वर दर्द होता है तो उसमें लगा लो तो बड़ी राहत मिलती है, तुरंत आराम मिलता है। और देखिए ये लाए हैं, ये देखिए दो वॉच, कैसी लगी? अच्छी है ना, एक मेरे लिए है एक मेरे निक पापा के लिए है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और उनका गिफ्ट हमको बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच भैया, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतनी दूर से बाहर की घड़ी है गाइस, वो बाहर से आए हैं तो वहाँ से घड़ी लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एक मेरे लिए है एक इनके लिए है, मुझे घड़ी बहुत पसंद है। देखिए हाथ में कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। तो चलिए यही चीजें थी जो आप लोगों से हम दिखाना चाह रहे थे। मछली पक चुकी है एकदम से मस्त वाली, देखिए जबरदस्त पक गई। मैंने कहा था ना ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी, देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई इसकी, पक गई है। अब गैस को बंद कर देंगे, ठीक है इसको मैंने ढक दिया, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। फाइनली अब हो चुका है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी, एक नई ब्लॉगिंग के साथ। तो तब तक
आपके लिए, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा, और जो भी